तो हम देखेंगे अभी प्रूफ्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिक तीन है और उससे भी और ज्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशंस डिराइव किए जा सकते हैं एज फॉलोइंग। ये देखो, ये पहले तीन जो है ये होते हैं बेसिक इक्वेशंस। अब और इससे और हम डिराइव कर सकते हैं नीचे वाले दो चार, ये है। तो एक 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 डेरिवेशन करते हैं हम। सबसे पहले है, पहला इक्वेशन डिराइव करेंगे हम, वो है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे है हमको एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से हमको प्रूव करना है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिंपल है, अब इसको इसके मल्टीप्लिकेशन में लाऊंगा तो ए टी विल बी वी माइनस यू। अब इस यू को अगर हम ट्रांसफर करते हैं इधर तो यू विल बिकम यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। हेंस द फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूव्ड। अब हम दूसरा प्रूव करेंगे बेटे, इसको हम प्रूव करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, कि हमको ये पता है, क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इनटू डीटी। ये हमने देखा है फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमने देखा है, पहला इक्वेशन प्रूव किया है, इनटू डीटी वेरीज फ्रॉम जीरो टू टी। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। तो अब इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यू इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर है, ए इंटू टी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बाहर आएगा और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय टू हो गया काम। और आपको डालने हैं लिमिट्स जीरो टू टी, सो इज इक्वल टू, पहले टी डालो, टी डालने पर यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर आ रहा है माइनस, ये अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट तो जीरो डालने पर ये भी जीरो और ये भी जीरो हो रहा है, तो कुछ नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन। कुछ समझ में आया? लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक स्कूल लेवल मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। ये तो इंटीग्रेशन से, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स से कैसे कर सकते हैं, एवरेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करके। देखो वो कैसे, एवरेज का कंसेप्ट, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी चीज हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी जब आपके पास ऐसा कुछ है 3, 7, 11, 15, मतलब बिल्कुल चार चार से बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, है ना। देखो डिफरेंस इज 4 ऑलवेज, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कोई भी चीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसको अगर आप इनिशियल टर्म बोलते हो ए वन और इसको आप फाइनल टर्म बोलते हो ए एन, देन एवरेज ऑफ ऑल दिस इज गिवन बाय ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाय टू इज द एवरेज ऑफ ए। तुम निकाल के देखो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम नहीं घुसेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम ये। देखो तुम करके देखो इनका एवरेज 3 प्लस 7। देखो प्रूफ तो इधर ही हो गया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, प्लस 11 प्लस 15 अपॉन टर्म्स कितने 4, तो कितना हो गया ये 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9। इस फॉर्मूले से भी देखो वही आता है, पहली टर्म है 3, फाइनल टर्म है 15, डिवाइड बाय 2 करो तो ये आपका 9 आ रहा है। सो एवरेज निकालने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है वेलोसिटी। तुम करके देखो, वेलोसिटी भी ऐसे ही चेंज हो रही है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, यू है इनिशियल अगर 3
तो एक्सेलरेशन अगर 4 का है तो 1 सेकंड बाद ये हो गया 7, 2 सेकंड बाद हो गया 11। सो वेलोसिटी इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। अब ये एवरेज है तो डिस्प्लेसमेंट का हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यानी u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। चलो ये ऑटोमेटिकली एक तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये वाली देखो जरा कौन सी वाली, ये देखो ये वाली प्रूव हो गई। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं हम, इधर ठीक है, चलो इधर देखो। अब ये क्या है भी देखो बेटा, यू इस टी से मल्टीप्लाई करो तो यू टी बाय टू। चलो ठीक है, पहले वी की जगह पर हम क्या डालते हैं देखो, बट वी नो दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन अभी तो डिराइव किया। देखो तो इसको इसको मैं इधर डालता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स यू प्लस इस टी को मैं थोड़ा इधर खिसका देता हूं, चलो वी की जगह पर मैं क्या डाल रहा हूं, यू प्लस ए टी, और ये टाइम डिवाइडेड बाय टू है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, देखो सबसे पहले इसको क्या होगा, 2u प्लस at, और बाहर है आपका 2 बाय टू t बाय टू। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे इसको, तो 2u इंटू t बाय टू, अब इससे इसको at इंटू t बाय टू, काम खत्म, ये 2 और 2 कैंसिल, यू टी प्लस देखो 1 बाय टू ए टी स्क्वायर, हो गया ये काम। चलो राइट, सम ऑफ यन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट। उसको भी अगर प्रूव करना है इसको, किसको, दैट एवरेज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय दिस, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब क्या है, प्रूफ ही है तो सबके प्रूफ दे ही देता हूं, ठीक है। आपको अगर डायरेक्टली अगले वाले प्रूफ को जाना है तो स्किप करके आगे देखो। अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक टर्म प्रोग्रेशन है जिसके है टर्म्स ए वन ए टू अप टू ए एन, तो एवरेज अगर इनकी निकालनी है तो हमको पता है एवरेज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली एवरेज क्या होता है भाई, ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ टर्म्स, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज। लेकिन अगर ये देखोगे तो ये SN है, मतलब समेशन ऑफ ऑल टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो SN अपॉन N। अब SN को हमने ऑलरेडी प्रूव किया है 10th क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो SN का फॉर्मूला है मतलब सम ऑफ N नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय N बाय 2 इन ब्रैकेट इनिशियल टर्म प्लस फाइनल टर्म, ये होता है सम, SN का फॉर्मूला, और ये नीचे है आपका N, ये तो ये है, तो N और N कैंसिल हो गया, तो एवरेज की वैल्यू आ गई A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2। हम सेकंड इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं, एक हमने किया इंटीग्रेशन से, दूसरा किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज का इस्तेमाल करके, अब हम इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ, इसी को प्रूव करना है, हम इसी को प्रूव कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालते हो, क्योंकि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर, एरिया अंडर कौन भाई, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुम निकालते हो
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो ऐसे आता है। ये होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है आफ्टर टाइम टी, ये है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू टाइम टी, मान लो दिस इज द टाइम, राइट, ये अप टू टाइम टी इज गिवन बाय दिस शेडेड एरिया, लेट अस से ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल या फिर ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। नाउ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज गिवन बाय, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज गिवन बाय हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जिसको हम हाइट बोलते हैं। अब इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये देखो, ये और ये है इसकी पैरेलल साइड्स। सो दिस इज योर हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज OA प्लस दूसरी है BC इनटू हाइट। हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये, सो इट इज नथिंग बट OC इज इक्वल टू हाफ OA। दिस OA वैल्यू इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। BC देखो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, सो आफ्टर टाइम टी दिस, ये जो वैल्यू है वो फाइनल वेलोसिटी V है इनटू OC। OC इज नथिंग बट दिस टाइम, हो गया वही फॉर्मूला आ गया, राइट, U प्लस V अपॉन टू इनटू टाइम। अब V की जगह पर आगे वाला तो डेरिवेशन सिंपल है ना, V की जगह पर क्या डालना है, U प्लस AT, अभी तो हमने किया ऊपर, इसको अगर इधर डालोगे और रीअरेंज करोगे तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो बात खत्म, चलो आगे, चलो इसको भी प्रूव करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम, किधर से भी स्टार्ट करो, किधर भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। We will start from V is equal to U plus AT. This is your first equation. मुझे क्या नहीं चाहिए, देखो भाई इस equation में मेरे को V, U चाहिए और S चाहिए, लेकिन T नहीं चाहिए, मतलब T चाहिए नहीं और S चाहिए, तो मैं T को निकाल दूंगा और S लाऊंगा। So T और S में एक relation हमने अभी अभी देखा है कि V plus U है ना, क्या देखा है, बट क्या है, यस इज वी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इनटू टाइम। तो टाइम के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, टू यस अपॉन वी प्लस यू इज इक्वल टू टाइम, बस इससे रिप्लेस कर दूंगा, बात खत्म है। तो मैं इसको इधर डाल रहा हूं, किधर, इस टी को देखो इधर डाल रहा हूं, इस टी के जगह पर, तो क्या आएगा रे बच्चा, एस सॉरी वी इक्वल टू चलो, सो दिस बिकम्स वी। देखो भाई इसको तुम कुछ वन नाम दे दो, यहां पे डालो फिर पुट इन वन, तो वी इक्वल टू क्या आएगा, देखो यू प्लस ए टी, व्हाट इज टी, T हमने निकाला है 2s अपॉन v प्लस u, बात खत्म। इस u को इधर लाओ, इधर आने पर माइनस हो जाएगा, इधर क्या है देखो, इस a से इधर मल्टीप्लाई करो 2as अपॉन v प्लस u। अब इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लाओ इसके, तो v माइनस u इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू टू ए एस, बात खत्म। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, प्रूव्ड। चलो आगे, ये वाला प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ये ऑलरेडी प्रूव किया है, दिस द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मुझे यहाँ पे v को लाना है, तो सिंपली इस u को इलिमिनेट करूंगा एंड आई विल राइट दैट आई हैव बट u इज इक्वल टू v माइनस ए टी। अरे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से आया रही है ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको ही अगर थोड़ा उल्टा तुलटा करोगे तो v माइनस ए टी। इसको मैं अगर वन नाम देता हूँ, इधर लिखता हूँ पुट इन वन, तो बड़े ही आराम से मेरे पास क्या आ जाता है, s इक्वल टू, देखो भाई यू टी, इस u की जगह पर डाल रहा हूँ मैं v माइनस ए टी, दिस इज योर u मल्टीप्लाइड बाई ये t है, इसको भूलना नहीं। और आगे क्या है, प्लस ये वाला हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, वी टी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं रे मैं, ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों जैसी बातें हो रही यार, वी टी माइनस को कॉमन निकालो, ए टी स्क्वायर, चलो माइनस ए टी स्क्वायर को ही कॉमन निकालो, कहां से, इन दोनों से, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर बचा वन, माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो बात हो गई वी टी माइनस ए टी स्क्वायर, और वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू। अब ये मल्टीप्लाई करने पर यस इक्वल टू आता है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बात खत्म, प्रूव। अब लास्ट प्रूव करेंगे हम ये वाला, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अब चलो भैया लास्ट वाला प्रूव करना है हमको, ये वाला। अब इसको पहले समझ लो, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यंथ सेकंड। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चा कि मान लो अगर तुम्हारे वेलोसिटी इस टाइम इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है और तुम यहाँ पे ट्रेवल करते जा रहे हो, सो एक सेकंड के बाद तुम यहाँ पे आ गए, नाउ दिस इज द टाइम, दो सेकंड के बाद तुम यहाँ आ गए, दिस इज थ्री फोर फाइव। अब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुछ भी इधर से देखो, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल फाइव सेकंड, जीरो से लेकर फाइव सेकंड तक, क्लियर है, राइट है। और उसी हिसाब से मैं इसको बोल सकता हूं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल फोर सेकंड, जीरो से लेकर चार तक, चार सेकंड खत्म होने तक। बेसिकली क्या होता है, ये जीरो, ये वन का मतलब होता है एक सेकंड यहाँ पे खत्म हुआ, दो खत्म हुए, तीन खत्म हुआ, तीन सेकंड यहाँ पे खत्म हुए, तो तीसरा सेकंड कहाँ पे है, पीछे रहता है, ये वाला नहीं होता, ये आगे वाला होता है फोर्थ सेकंड। तो यहां से लेकर यहां तक जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं थर्ड सेकंड, तीसरा खत्म होने के बाद चौथा खत्म होने तक ये जो रहता है ये फोर्थ सेकंड रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये तीन और चार के बीच का डिस्टेंस है ना, तो लगता है थर्ड है कि फोर्थ है, तो जो आगे है वो वाला होता है। ये यहां तक आ गए मतलब चार सेकंड खत्म हो गए, खत्म हो गए, और ये जो तुम्हारा रहेगा ये वाला, ये पोर्शन, ये फिफ्थ सेकंड का होता है। अब अगर तुमको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, तो तुम बताओगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, एंड यू विल राइट एट यस फाइव। और बड़े ही प्यार से तुम ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, एक्चुअली इसको ऐसा फिफ्थ बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलते, बस यस फाइव कई बुक्स में लिखा जाता है, यस फाइव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल फाइव सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल फोर सेकंड। ये तो बहुत ही प्यार से तुम यहां से बता पा रहे हो, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो इन जनरल मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पांच है इसलिए देखो पांच माइनस चार क्या, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ट्वेल्थ सेकंड निकालना है तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस टिल ट्वेल्थ सेकंड माइनस डिस्टेंस
टिल बोलो क्या 11 सेकंड्स। और इन जनरल अगर मेरे को लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यंथ सेकंड, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस टिल यन सेकंड्स माइनस डिस्टेंस टिल यन माइनस वन सेकंड्स। ये यन माइनस वन ही तो है, इसको यन बोला हमने, इसको यन बोला, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला था अब तक का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है तो इसका क्या मतलब है, ये बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल टिल टी सेकंड। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर मैं डालूंगा तो एस एन विल बी, देखो डिस्टेंस टिल एन सेकंड हम क्या लिखेंगे, यू एन, मतलब टी के जगह पर एन डाल रहा हूं मैं, बस कुछ नहीं, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल टिल एन सेकंड। ये देखो ये वाला, ये अब ये बीच में जो आया ना इसको मैं काट देता हूं, माइनस, अब इसके लिए देखो एन की टी की जगह पर हम एन माइनस वन डालेंगे, ये टी है आपका, अब टी की जगह पर यहां एन डाला तो अब एन माइनस वन, सो यू एन माइनस वन इज यू टी प्लस हाफ ए टी, टी मतलब एन माइनस वन स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, बहुत ही टाइम पास है अब आगे, तो बस इसको एक्सपांड करते जाओ, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो यू एन माइनस यू, देखो इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो हाफ ओ, सबसे पहले उससे पहले हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कुछ, ये हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर इज एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये तो जैसा है वैसा इसको लिखूंगा मैं, चलो लिख दिया इसको मैंने माइनस, अब ये मल्टीप्लीकेशन देखो यू एन माइनस यू प्लस, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू ये टू एन, प्लस अब इससे इसको वन को हाफ इंटू ए। चलो अब क्या है, फिर से ये तो जैसे का वैसा, अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो भाई कुछ नहीं, देखो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये टू और टू कैंसल तो ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर नहीं ए एन, और फाइनली प्लस, नहीं अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हाफ ए। चलो अब चलो 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 अब इसको क्या क्या देखो क्या क्या कैंसिल होता है भैया, ये और ये कैंसिल है, और क्या है, ये प्लस हाफ एन स्क्वायर और माइनस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल है, तो क्या बचा रे, अब बचा क्या देखो, ये एक बचा, ये भी बच्चा और ये भी बच्चा, तो यू, अब इन दोनों में से मैं क्या कैंसिल निकालता हूं, हाफ ए कॉमन निकालता हूं, देखो जरा हाफ ए, जरा बिल्कुल आराम से, हाँ माइनस ए बाय टू, तो अंदर क्या बचा, देखो हाफ को कॉमन निकाला तो ये टू, ये टू एन माइनस वन, जरा देखो इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इधर और इधर यही आता है क्या, देखो
बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। बस क्या होना चाहिए यहां पे, प्लस होना चाहिए ना, प्लस। तो मैं प्लस ही कॉमन निकाल रहा हूं। तो इस तरीके से हमने फाइनल वाला इक्वेशन भी प्रूव कर दिया है, नो टेंशन, राइट। 2n-1। और यहां पे एक बात भी याद रखो, तुम यहां पे ये जो u लिख रहे हो, जरा आराम से देखो। कभी कभी लगता है, बेसिकली क्या है कि इधर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, लेकिन तुमको यहाँ पे देखने पर ये समझेगा कि ये डायमेंशन सेम नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये यूनिट ऑफ डायमेंशन में कई बार पूछा जाता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकन्सिस्टेंट है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकन्सिस्टेंट होता ही नहीं। क्यों ऐसा है, देखो जरा ऊपर देखो, यहाँ ये n-1 है बेटे, यू से एन को मल्टीप्लाई किया, और यू से वन को क्या, ये वन क्या है, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकंड, ये टाइम का डायमेंशन है, मतलब u इनटू तुमको रखना चाहिए यहाँ पे 1 सेकंड, जो कि तुम लिखते नहीं हो, 1 होने की वजह से तुम क्या करते हो, उसको उड़ा देते हो, लेकिन u के साथ हमेशा 1 सेकंड है, तो यहाँ भी 1 सेकंड है मल्टीप्लीकेशन में। तो सिंपल सी बात है, इसका डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड का डायमेंशन है सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डायमेंशन मीटर आ गया, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। सो वी हैव सक्सेसफुली प्रूवन ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 1-डायमेंशनल मोशन। बात खत्म।